हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। सो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये ओजोन क्या है। ओजोन डिप्लीशन समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये ओजोन क्या चीज है। सो ओजोन इज अ ट्राई एटमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि ओजोन की एक डायटमिक फॉर्म होती है, ओजोन की डायटमिक फॉर्म दैट इज ऑक्सीजन गैस, बिल्कुल वैसे ही ओजोन की ट्राई एटॉमिक फॉर्म जिसमें तीन एटम होते हैं वो O3 कहलाती है और इसी को हम ओजोन बोलते हैं। अनलाइक ऑक्सीजन, ओजोन हैज स्ट्रॉन्ग सैंड। ओजोन की जो ऑर्डर होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और इसका कलर ब्लू होता है। ओजोन की अगर एग्जिस्टेंस की बात करें तो ओजोन दो लेयर में, अर्थ की एटमोस्फेयर की दो लेयर में पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर जिसमें बैड ओजोन मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें गुड ओजोन पाई जाती है। ओके, ये आपका फिगर है। इस फिगर में आप देख सकते हैं अर्थ, और अर्थ में ये ट्रोपोस्फेयर लेयर्स में दिखाई हुई है। एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन दिखाई गई है, बट ट्रोपोस्फेयर में भी पाई जाती है, बैड होती है। इंपॉर्टेंस क्या है ओजोन लेयर की, हम क्यों इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं ओजोन लेयर की? बिकॉज अभी हमने डिप्लीशन देखा कि डिप्लीशन पढ़ने का क्या फायदा है। तो उसके लिए हमें ओजोन पता होना चाहिए कि ओजोन की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस है कि जितनी भी हार्मफुल रेडिएशंस अर्थ पे आती हैं, अर्थ पे जितनी भी हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, उन रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अल्ट्रावायलेट फिल्टर का काम करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर करने का काम करती है। साथ में पोलर आइस शिफ्ट ना हो ये भी एश्योर करती है ओजोन। रिड्यूस टेम्परेचर को रिड्यूस करने में भी मददगार है। इफेक्ट अल्ट्रावायलेट फिल्टर, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि अल्ट्रावायलेट फिल्टर का काम कर रही है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के क्या इफेक्ट हैं? तो सबसे पहले इफेक्ट देखते हैं आईज पे। ये आपको नॉर्मल आई दी हुई है, ये जो आई आपको दिख रही है यहाँ पे इस तरीके से व्हाइट कलर का ये दिख रहा है, तो ये क्या है? लेंस क्लाउडेड बाय कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ही होता है। ठीक है, वहीं पर आई कैंसर के भी चांसेस होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। स्किन कैंसर डायरेक्ट एक्सपोजर अगर होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का स्किन से, तो वहां पे स्किन कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। एजिंग एक्सेलरेट हो जाती है, मैलिग्नेंट मेलानोमा के चांसेस 10% इंक्रीज हो जाते हैं। मेलानोमा मतलब सिंपल टर्म्स में अगर बोला तो स्किन कैंसर। मेलानोमा मीन्स मेलानिन सिक्रीटिंग सेल्स, मेलानोसाइट्स जिन्हें बोलते हैं, एंड मेलानोसाइट से मेलानिन सिक्रीट होता है। अगर ज्यादा सिक्रीट होता है तो वो ब्लैक या ब्राउनिश कलर के दिखते हैं, नहीं सिक्रीट होता तो पिंकिश या व्हाइट कलर के, टैनिन कलर बोलते हैं उसे। वहीं पर नॉन मेलिग्नेंट मेलानोमा के चांसेस 26% इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि आउटर मोस्ट मेलानोमा होता है, मीन्स आउटर मोस्ट लेयर पे पाया जाता है। वहीं पर पोलर आइज मेल्टिंग, इस फिगर में आपको शो किया है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से पोलर आइस मेल्ट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पोलर रीजन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट होने लग जाता है। जिस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब आइस फॉर्म लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगी तो ग्लेशियर्स वगैरह पिघलने लग जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, आप देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी पानी में चला गया है, मतलब उस वाटर का लेवल कितना राइज हो गया है। तो ये सब दिखाया गया है कि वाटर का लेवल ऐसे राइज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रोडक्शन। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का प्रोडक्शन, मींस गुड ओजोन का प्रोडक्शन कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दो स्टेप हैं, मेन टू स्टेप्स हैं। ओजोन O2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नेसेंट ऑक्सीजन में डिवाइड होते हैं। नेसेंट मीन्स फ्री ऑक्सीजन। ओके, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर O2 मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर O3 बना लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही दूसरा जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो भी मिलके O3 बना लेगा। तो हमने ओवरऑल देखा कि दो O3 बने हैं, ठीक है, दो O3 मॉलिक्यूल मिल गए हैं हमें। तो ओवरऑल रिएक्शन ये है कि थ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म्स टू O3 मॉलिक्यूल। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओजोन डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म, ओजोन डिस्ट्रक्ट कैसे होती है? ओजोन जब डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है तो वही डिप्लीशन कहलाता है। और ओजोन होल क्या चीज है वो हम बाद में देखेंगे। तो डिस्ट्रक्शन देखते कैसे होता है। डिस्ट्रक्शन के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आप इसमें देख सकते हैं CFCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक इनटू CFCl2 एंड क्लोरीन
जो है वो अलग हो गया है इससे। अब ये जो क्लोरीन है ये O3 से कंबाइन होगा और O3 से कंबाइन होने के बाद O3 को, ये जो Cl है ये O3 को ब्रेक करेगा और O से कंबाइन होके ClO बनाएगा और O2 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो O3 था उसका डिस्ट्रक्शन हो चुका है, O3 O2 में डिवाइड हो गया है और ClO बन गया है। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रक्शन होता है O3 का। नेक्स्ट देखते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में मेन तो यही है CFCs, फुल फॉर्म याद रखनी है आप लोगों को, एग्जाम में आ चुकी है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी है और हेलोन्स भी है। ये सब किसमें यूज किए जाते हैं, किसमें भरी जाती है? तो ये CFC का यूज किया जाता था एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में और डीओ में, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें CFCs का यूज किया जाता था। ओके, ओजोन होल, ये ओजोन होल क्या चीज है? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 1985 में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था और इसका ऑब्जर्वेशन किया गया था एंटार्क्टिका में, एंटार्क्टिका रीजन में इसको ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। ओजोन होल मतलब है सीधा सीधा कि रैपिड डिप्लीशन ऑफ ओजोन ओवर एंटार्क्टिका ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। जब एंटार्क्टिका रीजन में स्प्रिंग सीजन में ओजोन का डिप्लीशन बहुत तेजी से देखा गया, स्प्रिंग सीजन में, तो उसको ओजोन होल बोल दिया गया। ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि होल हो गया, होल का मतलब है कि थिकनेस कम हो गई थी। ओके, इसका सीजन याद रखना है, स्प्रिंग सीजन होता है, डेट इज अगस्त टू अक्टूबर। एंटार्क्टिका रीजन में ये मेनली देखने को मिला, ह्यूमन केमिकल्स की वजह से होता है जैसे कि CFCs। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये जो डार्क ब्लू पर्पल कलर का दिखाया है वहीं पे देखते हैं। वाई ओजोन इज ओनली फॉर्म्ड ओवर एंटार्क्टिका। सबसे पहले ये देखते हैं ये डॉब्सन यूनिट क्या चीज है। डॉब्सन यूनिट समझना, जैसे लेंथ को मेजर करने की यूनिट होती है, मास को मेजर करने की यूनिट होती है, बिल्कुल वैसे ही ओजोन की जो थिकनेस होती है, ओजोन की जो कंसेंट्रेशन होती है, उसको मेजर करने के लिए भी एक यूनिट है जिसका नाम है डॉब्सन यूनिट। ओके, क्या नाम है? डॉब्सन यूनिट। एवरेज माना जाता है कि अगर ओजोन की कंसेंट्रेशन, ओजोन की एवरेज कंसेंट्रेशन अबाउट 300 डॉब्सन यूनिट है, मींस वहां तक ठीक है, लेकिन जब ओजोन की कंसेंट्रेशन 220 डॉब्सन यूनिट से नीचे गिरने लग जाती है तब हम उसको ओजोन होल कंसीडर करते हैं। ओजोन होल मतलब कि ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो 220 डॉब्सन यूनिट से कम हो गई है। इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, जुलाई अगस्त में इंक्रीज हुआ, देन सितंबर में ऑन इंक्रीज हो गया, अक्टूबर से फिर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होना, नवंबर में और दिसंबर में बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, ये जो ब्लू कलर आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्प्रिंग सीजन है। रिजल्टेंट निकल के आता है इस डायग्राम से कि स्प्रिंग सीजन में, मीन समर सीजन में ये देखने को मिलता है ओजोन डिप्लीशन। ओके, इसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं? स्टॉप करना, सबसे पहले पॉल्यूशन स्टॉप करना है हमें, अवेयरनेस बढ़ानी है जितना ज्यादा हो सके, काफी ज्यादा ट्री लगाने हैं हमें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का कम यूज करना है। जैसे कि हमने देखा कि पर पर्सन एक व्हीकल में चलने लग जाता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, हमें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना चाहिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि सोलर पैनल्स का यहाँ पे यूज किया गया, दिखाया हुआ है। ओके, पॉलिटिकल कोलैबोरेशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इम्पॉर्टेंट है ये काफी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, ठीक है, ओजोन से रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में करवाया गया था, इसमें 182 कंट्रीज के लीडर थे और इस प्रोटोकॉल में एश्योर करवाया गया था कि जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, ओजोन डिप्लीशन में मदद करने वाले जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके प्रोडक्शन और कंजप्शन पे कंट्रोल पाया जाए। ओके, टू कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ द सब्सटेंसेस दैट कैन कॉज ओजोन डिप्लीशन। आगे चलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मैंने आप लोगों को बताया कि वहां पे ये भी चीज पता चली कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में नंबर वन पे है। ठीक है, सबसे ज्यादा यही कॉज कर रहा है ओजोन डिप्लीशन, तो इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को जितना हो सके उतना ज्यादा बंद करवाया गया और बोला गया कि CFCs को रिप्लेस करके HCFCs में कर दिया जाए।
CFCs की जगह पे यूज किया जाने लग गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो कि डिस्ट्रॉय तो करता है ओजोन बट बहुत स्लोली डिस्ट्रॉय करता है CFCs के कंपैरिजन में। एक और इम्पोर्टेंट चीज दैट दिस वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट था ऑन द कंसर्निंग एनवायरमेंट एटमोसफेयर, ठीक है, इन अर्थ एटमोसफेयर के कंसर्न में पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एग्जाम में पूछा गया है ये, इसीलिए याद रखें। यहाँ से कंक्लूजन निकल के ये आता है कि जितनी भी ओजोन डिप्लीशन हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज का रिजल्ट है। सो मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन आवर हैबिट्स कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन आवर फ्यूचर। चेंज इन बैड हैबिट्स रिजल्ट टू द चेंज इन लाइफ। ओके, सो यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीजें जो निकल के आती हैं, जो एग्जाम्स में जनरली पूछी जाती हैं, वो क्या क्या चीजें हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। O3 ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल है, ओके, कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, ओके। डिप्लीशन किस वजह से होता है, CFCs की वजह से होता है। CFC की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्रोटोकॉल कौन सा बुलवाया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुलाया गया, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कहाँ देखा गया सबसे पहले, एंटार्क्टिका पे। सीजन क्या है एंटार्क्टिका ओजोन डिप्लीशन का। डॉप्सन यूनिट क्या चीज है, ओके, ओजोन की थिकनेस किस में मेजर की जाती है, कंसंट्रेशन किस में मेजर की जाती है, डॉप्सन यूनिट में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जनरली अभी तक पूछे जा चुके हैं और बिल्कुल ओवर हेडिंग है ये, तो आप लोगों को ये चीजें आशा करते हैं समझ आई होगी और आई होप ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।